close till I get up. Time is barely on our side. आज के वीडियो में हम बात करेंगे नए मटेरियल्स के बारे में, जो सप्लायर से आता है उसको हम कैसे रिसीव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है मटेरियल्स आया हुआ है सप्लायर से और उस पर कुछ पेपर चिपके हुए हैं। तो जब सप्लायर से मटेरियल्स आता है तो हमारे पास में जो है ना दो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी कंपनी जो मटेरियल रिक्वेस्ट करती है, तो मैंने बताया था कि पीओ के हिसाब से जो है मटेरियल रिसीव होता है, तो पीओ होना चाहिए और सप्लायर का डिलीवरी नोट होना चाहिए। वो दोनों को मैच करना चाहिए कि उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। उसके बाद से मटेरियल्स को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस दिया हुआ है, उसके आधार पर रिसीव करते हैं। जैसे कि ये मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे GY.350 लिखा हुआ है, बाकी का मटेरियल का डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ मटेरियल्स का जो है डिटेल्स बाहर रहता है, कुछ मटेरियल्स का डिटेल्स डिलीवरी नोट पे रहता है। तो पहले जो है हमें रेफरेंस के हिसाब से मटेरियल रिसीव करना होता है, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी चेक होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जो है प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बॉक्स आए हुए हैं, और आप ये भी देख सकते हैं मटेरियल्स कहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इटली का है, ये बड़े बड़े बॉक्स में है और ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। और मटेरियल्स का डिस्क्रिप्शन जो है इसमें पूरा फुल नहीं है, बाकी का डिलीवरी नोट पर रहता है। और ये रेफरेंस है, ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो है मटेरियल्स को पैक करके ये इटली से यहाँ पे आया हुआ है, और ये सारे डिटेल्स लगे हुए हैं इसका यहाँ पे डिलीवरी नोट के साथ में जो है। ये आपको चेक करना है, प्रॉपर चेक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग हुई है इसकी, कोई भी डैमेज नहीं होता है मटेरियल्स उतारने के समय में, भी ख्याल रखना है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है मटेरियल्स का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है और नंबर 3 पे क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब मटेरियल आप रिसीव करें तो मटेरियल सबसे पहले कंडीशन में हो, कोई डैमेज ना हो, दूसरी चीज़ आपकी क्वांटिटी बराबर हो, प्रॉपर हो, ठीक है, आपकी क्वांटिटी आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करें, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारा चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ फाइलेट यहाँ पे है, जहाँ जहाँ जगह रहता है उस हिसाब से मटेरियल उतर जाता है, पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद से उसकी जो है मटेरियल्स को अरेंज करते हैं स्टोर में एक एक करके। तो आप देख सकते हैं नई मटेरियल्स हैं और ये कैसे आया हुआ पैक करके, ये थर्मोकोल भी रहता है साथ में ताकि कोई मटेरियल जो है डैमेज ना हो। और उससे भी बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं लकड़ी का बॉक्स जो है बना हुआ है, उसके साथ में मटेरियल्स आया हुआ है। ऐसे मटेरियल्स को जो है हम रिसीव करते हैं सप्लायर से, और उसके बाद से इसका मटेरियल्स का डायनेमिक्स को हम क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है कैसे रखा हुआ है, सब बताएंगे आपको एक एक वीडियो में कैसे क्या है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये मटेरियल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स है, इसकी वेट भी लिखी हुई है। अब जो है हम स्टोर के अंदर आ गए हैं, स्टोर में जो है मटेरियल आकर स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। ये भी मेरी इटली का है और इटली से मैं यहाँ गया था, आप देख सकते हैं कैसे मटेरियल्स को अरेंज करके रखा हुआ है। पायलट पे है, ये लकड़ी का पायलट है, इसमें ये मटेरियल रखा हुआ है और ये फॉरक्लिफ्ट से ऑन होता है, जाने के टाइम में जब साइट पर रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से फिर ये मटेरियल्स विड्रॉ होता है। ये सारे मटेरियल्स आप देख सकते हैं कैसे रखा हुआ है। तो आप मटेरियल भी देख रहा होगा, आप देख सकते हैं मटेरियल्स का नाम भी लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस मटेरियल को रखना पड़ता है, सही जगह से लोकेशन लेकर इसको रखते हैं ताकि कोई मटेरियल में कोई प्रॉब्लम ना है और कोई चीज़ डैमेज ना हो। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से जो है ऑनलोड करना पड़ता है और अच्छे से इसको स्टोर करना पड़ता है मटेरियल्स को। सब देख सकते हैं आप, लेमिनेशन किया हुआ है, इस पर क्लोथिंग लगा हुआ है ताकि मटेरियल्स पे कोई जो है डस्ट ना आए अंदर में, और मटेरियल्स जो है हमेशा नए की तरह ही दिखे। आप देख सकते हैं सभी मटेरियल्स रखा हुआ है ऐसे करके, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ये आपके टाइल्स हैं पर्सनल के,
जाता है सप्लायर से, और उसके बाद से यहाँ से स्टोर में स्टोर करके इसको पीओ को क्लोज करते हैं। उसके बाद से साइट पे जो है जब इसकी रिक्वायरमेंट आती है उस टाइम में हम इसको डिलीवर करते हैं। आप देख सकते हैं सब प्रॉपर तरीके से रखा हुआ मटेरियल। डिटेल्स दे देंगे कि कौन से मटेरियल्स जो है ये है, किसके पीओ के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है और कौन से प्रोजेक्ट का है, उसका नाम हम लिख कर सब चिपका दें ताकि आपका ख्याल ना हो, हमेशा आपको याद रहे। तो ऐसे मटेरियल्स को रिसीव करके स्टोर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से भी काफ़ी मदद मिली हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।